नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो ट्रेन में मास्क पहनना जरूरी, नहीं तो 500 का जुर्माना। रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि यात्रा शुरू करने से पहले राज्य द्वारा जारी हेल्थ गाइडलाइन देख ले। रेल मंत्रालय ने कोरोना से संबंधित गाइडलाइन को 6 महीने या अगले निर्देश तक बढ़ा दिया है। रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकारी आदेश के अनुसार रेलवे ने इस गाइडलाइन के उल्लंघन को रेलवे एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया है। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए रेल मंत्रालय ने इस साल अप्रैल में हेल्थ एडवाइजरी जारी की थी, जिसके अनुसार जुर्माना का प्रावधान सितंबर तक लागू होना था, लेकिन इसे और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण, पिछले 24 घंटे मिले 9 पॉजिटिव मरीज, 13 ठीक भी हुए, 108 बचे एक्टिव केस। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 9 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। वही 13 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया है, वही अब 108 एक्टिव केस बचे हैं। झारखंड में अब तक 3,48,334 केस मिल चुके हैं, जबकि 3,43,087 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से एक, पूर्व सिंहभूम से एक, खुट्टी से 2, रामगढ़ से 1 और रांची में 4 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा। बुड़ाम के मिर्जाडी गांव में 3 रिसोर्ट में चल रहा था सेक्स रैकेट। ग्रामीणों ने 2 महिला और 3 पुरुष को बंधक बनाया। जमशेदपुर में रविवार को बड़ी सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। जिले के बुड़ाम थाना क्षेत्र के मिर्जाडी गांव में स्थित 3 रिसोर्ट में पिछले कुछ दिनों से सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसका खुलासा ग्रामीणों द्वारा किया गया है। रविवार को ग्रामीणों ने 3 रिसोर्ट के मैनेजर और 2 महिला को बंधक बना लिया है। आक्रोशित लोगों ने सभी की पिटाई कर दी। मौके पर ग्रामीणों द्वारा आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। मामले की सूचना लोगों ने पुलिस को दे दी है। सूचना पर बोधमा पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद ग्रामीणों ने बंधक बनाकर रखे गए सभी को पुलिस के हवाले कर दिया है और सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 87 पदों पर वैकेंसी नोटिस जारी। रांची में 87 पदों पर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार नोटिस को पढ़े तथा आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करे। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने कोऑर्डिनेटर, ऑफिसर, सुपरवाइजर, मैनेजर, HBA, कंसल्टेंट के 87 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि कल 11 अक्टूबर से शुरू होगी, वही आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2021 तक निर्धारित की गई है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसकी जानकारी के लिए आप नोटिस प्राप्त करें। इसके लिए आप www.sites.co.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के शूटर को 5 लाख की सुपारी देकर कराई गई बीजेपी नेता जीतराम मुंडा की हत्या। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में भाजपा नेता जीतराम मुंडा की हत्या 5 लाख की सुपारी देकर कराई गई थी। इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी मनोज मुंडा ने पुलिस के समक्ष सारे राज खोल दिए हैं। पूछताछ में मनोज मुंडा ने सुपारी देकर हत्या करवाने की बात कबूल की है। बीजेपी नेता जीतराम मुंडा की 22 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। पुलिस को जो जानकारी आरोपी मनोज मुंडा के द्वारा दी गई है, उसके अनुसार मनोज मुंडा ने जीतराम मुंडा की हत्या के लिए यूपी के बाबू साहेब नामक व्यक्ति के जरिए हत्या की साजिश रची थी। पूरा सौदा 5 लाख में तय हुआ था, जिसके बाद यूपी के ही एक शूटर ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुरक्षा चाक चौबंद, 2000 जवान तैनात। राजधानी में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्यौहारों के दौरान विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए हर स्तर पर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके तहत 250 से अधिक मजिस्ट्रेट, 300 पुलिस पदाधिकारी और 2000 से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। 44 गश्ती दल बनाए गए हैं। राजधानी के पूजा पंडालों में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रमुख पंडालों में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी के साथ महिला व पुरुष सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके तहत 60 मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए 155 पंडालों की सुरक्षा में करीब 1000 पुलिस कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सदर अनुमंडल के तहत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 19 और बुंडू अनुमंडल के लिए 6 मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो हजारीबाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को हटाना चाहो तो लोगों ने किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों ने किया वाहन क्षतिग्रस्त। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड अंतर्गत बानादाग साइडिंग को लेकर जारी महा आंदोलन के तहत प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने रविवार को लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस घटना में कई पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारी चोटिले हुए हैं। दरअसल पुलिस बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शन को समाप्त करवा रही थी, इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कोल साइडिंग के विरोध में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों का कहना था कि जिस जमीन पर कोयला डंप किया जा रहा है उसका मुआवजा नहीं मिला है। साथ ही प्रतिदिन करीब 3000 ट्रकों के चलने से उड़ने वाले डस्ट लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसको लेकर कई प्रदर्शनकारियों पर व समर्थन दे रहे नेताओं के विरुद्ध कटकमदाग थाना में 3 FIR दर्ज किया गया है। इधर आज के हंगामे के बाद बानादाग साइडिंग व आसपास के इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सारे घटनाक्रम पर SP मनोज रत्न चौथे नजर बनाए हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो तो CM पहुंचे राजस्थान। मुख्यमंत्री बोले, इतिहास को करीब से जानने व समझने आया हूं। चित्तौड़गढ़ या किला व धरती तो ऐसी है कि देखने के लिए एक दो दिन भी रुका तो कम है। यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राजस्थान के दुर्ग भ्रमण के दौरान कही है। वे अपने परिवार के 20 सदस्यों और इतने ही सुरक्षा कर्मियों के साथ शनिवार दोपहर बाद उदयपुर से यहां पहुंचे। करीब 3 घंटे भ्रमण के बाद सूर्यास्त होने पर नीचे उतरे। अगली बड़ी खबर की बात करो तो रांची रेलवे स्टेशन से शुरू होगी प्रीपेड ऑटो सेवा। रांची रेलवे स्टेशन से प्रीपेड ऑटो सेवा शुरू होगी। रांची रेल मंडल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस सेवा को शुरू करने में RPF की मदद ली जाएगी। रांची रेल मंडल ने जिला परिवहन प्राधिकार को विभिन्न रूट का किराया तय करने के लिए पत्र भेजा है। विभिन्न मार्गों का किराया तय होने के बाद प्रीपेड सेवा शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले 2010 में भी प्रीपेड ऑटो नगर निगम की ओर से शुरू की गई थी, लेकिन बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण बंद हो गई थी। इस बार रांची रेल मंडल की ओर से इसकी पहल की गई है। प्रीपेड सेवा शुरू होने से बाहर से आने वाले यात्रियों के साथ ऑटो चालक मनमानी नहीं कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में दुर्गा पूजा में अलर्ट रहेगा स्वास्थ्य विभाग। प्रमुख जगहों पर रहेंगे एम्बुलेंस। दुर्गा पूजा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर रहेगा। इस बार भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए दुर्गा पूजा में मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद विभाग को अंदेशा है कि प्रतिमा का दर्शन करने श्रद्धालु पंडाल के पास आएंगे। इसे देखते हुए विभाग प्रमुख पूजा पंडालों के आसपास एम्बुलेंस की तैनाती करेगा। विभागीय स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। अष्टमी से दशमी तक यह व्यवस्था पूरे जिले में लागू की जाएगी। इसके लिए अलग से मेडिकल टीम का गठन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करो तो 5 महीने से धनबाद प्रखंड के सहिया को मानद नहीं, स्वास्थ्य योजनाएं हो रही है प्रभावित। धनबाद प्रखंड अंतर्गत 200 सहिया को विगत 5 महीने से मानद नहीं मिला है। मानदेय के लिए हर दिन धनबाद प्रखंड से लेकर सिविल सर्जन कार्यालय तक चक्कर काट रहे हैं। मानदेय नहीं मिलने से नाराज सहिया स्वास्थ्य योजनाओं में भी सक्रिय भूमिका नहीं निभा रही है। यही कारण है कि प्रखंड में बच्चों के नियमित टीकाकरण, मातृ एवं शिशु सुरक्षा योजना समेत कई योजनाएं प्रभावित हो रही है, लेकिन विभागीय अधिकारी फंड नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में OBC को 27% आरक्षण पर महासम्मेलन में क्या बोले मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव। झारखंड अलग होने के बाद से आज तक किसी भी सरकार ने OBC आरक्षण बढ़ाने पर पहल नहीं की है। OBC को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही झारखंड में OBC को 27% आरक्षण का बिल पारित होगा। झारखंड के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव कल OBC समुदाय में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर हजारीबाग के कृषि फार्म मैदान में आयोजित महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्लैक आउट के दौरान भी रांची में होती रहेगी बिजली आपूर्ति। बिजली संकट से निपटने का यह है प्लान। भविष्य में भीषण आपदा या ब्लैक आउट की स्थिति होने पर भी रांची को ब्लैक आउट नहीं होने देने की योजना पर काम किया जाएगा। भारत सरकार की आईलेडिंग स्कीम के तहत रांची और पटना को चुना गया है। योजना के तहत ब्लैक आउट की स्थिति में भी बिजली की आपूर्ति बहाल रखने के लिए आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी। कोलकाता में हुई ईस्टर्न रीजनल पावर कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा की गई है। अब राज्य सरकार को आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए DPR तैयार करेगी। केंद्र सरकार DPR की मंजूरी मिलने के बाद राशि आवंटित की जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करो तो यूजीसी नेट की परीक्षा 4 बार तारीख बदलने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्यों कर दी स्थगित। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 17 से 25 अक्टूबर 2021 तक होने वाली यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 की परीक्षा आखिरकार स्थगित कर दी है। एनटीए ने इससे पूर्व 4 बार परीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया था, कभी कोरोना तो कभी कई अन्य परीक्षा की तिथि टकराने के कारण एनटीए ने परीक्षा स्थगित कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो दुर्गा पूजा के कारण कोरोना जांच में कमी, त्योहारों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत। दुर्गा पूजा त्योहार को लेकर पूरा शहर तैयारियों में जुट चुका है। बाजारों में पहले की तरह से ही भीड़ दिख रही है, लेकिन इन सब के बीच हर दिन कोरोना मरीज भी मिल रहे हैं। इसमें सबसे अधिक रांची से ही मरीजों के मिलने की संख्या है, साथ ही कोरोना जाँच करवाने वालों की संख्या भी पिछले माह की तुलना में 30% कमी हुई है। दूसरी ओर त्योहार शुरू होते ही एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, हालांकि स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बड़ी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।